Today, we are going to discuss hashing. Hashing is another technique that is used to store the data, and the objective of the hashing is to improve the speed of the search operation. So, what is hashing? Hashing is a technique that is used to uniquely identify a specific object. From a group of similar objects. So, the idea of implementing hashing is that we are able to uniquely identify each record within a data structure. Some of the data is organized in a way that it is automatically uniquely identified. How? Let's have a look. एट वन एग्जाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी uh, को एक एग्जाम्पल मानकर चलते हैं तो जो रोल नंबर हम लोग असाइन करते हैं किसी भी स्टूडेंट को दैट इज यूनिक इन नेचर सो विद हेल्प ऑफ रोल नंबर वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट उसी तरह से लाइब्रेरीज के अंदर जो बुक्स होती हैं उन्हें एक यूनिक नंबर जिसे कई बार हम लोग एक्सेशन नंबर बोलते हैं वो असाइन किया जाता है जिससे हम लोग हर एक बुक को चाहे उसकी मल्टीपल कॉपीज हो तो भी हम लोग ए, हर बुक को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बट देर आर सर्टेन केसेस इन विच देर माइट नॉट बी अ यूनिक की दैट इज अवेलेबल और द साइज ऑफ द यूनिक की इज सो लार्ज दैट वी कैन नाट स्टोर इट डायरेक्टली और इंडक्स इट डायरेक्टली इन द कम्प्यूटर्स सो फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं उस बहुत ही बड़े इंडेक्स को एक स्मॉल इंडक्स में कन्वर्ट कर देते हैं या स्मॉल इंटीजियर वैल्यू साइन कर देते हैं थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड हैशिंग सो दैट वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड So, जो हमने दोनों एग्जाम्पल ऊपर देखे हैं इन द बोथ द जो हमने स्टूडेंट एंड बुक हमने देखे हैं दे आर दे आर object एंड यू want टू असाइन अ की टू मेक इट सर्च इजी तो हम लोग क्या करते हैं की वैल्यू पेयर बना देते हैं तो की क्या होती है जैसे किसी का नेम है या uh, कोई भी ऐसी वैल्यू है हम लोग उसके ऊपर हैशिंग लगाकर उसको एक स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दैट वैल्यू इज बेसिकली यूज इंडेक्स टू स्टोर दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड एंड इट कैन बी इजिली सर्च हाउ एवर इन केसेज वेर द कीज आर लार्ज एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज एज इंडेक्स यूज हैशिंग जो मैंने अभी आपको बताया है तो उन केसेस में जहां पर हमारे पास स्मॉल uh, नंबर्स uh, के यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं हम लोग लार्ज इंडेक्सेस को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्मॉल इंडेक्सेस यूजिंग हैशिंग धीरे धीरे से uh, uh, ये जो हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इस चीज को समझेंगे वी विल गेट बैक टू देशन ऑफ हैशिंग अगेन अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग हैशिंग यूज क्यों करना चाहते हैं अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल uh, डिस्कस uh, uh, करता हूँ अस सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ़ से एलिमेंट्स और अगर हम इसमें किसी भी आइटम को सर्च करना चाहते हैं तो लेट अस सपोज वी यूज The ज ग्रो करेगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा हमें इसको सर्च करने में इवन इफ अगर हम लोग बाइनरी सर्च एल्गोरिदम यूज करें या हम लोग बाइनरी सर्च ट्री यूज करें इवन देन द सर्च टाइम विल बी लेस बट इट विल स्टिल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन सर्च टाइम तो डेफिनेटली लीनियर से कम लगेगा लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी एन पे And when the n becomes extremely large, not large, but extremely large, even then the binary search algorithm also starts to take a lot of time. So, can we devise a mechanism using which it takes constant or close to constant time? किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट या सर्च कर सकते हैं तो हम लोग उसके लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम लोग हैशिंग बोलते हैं हैशिंग में व्हाट वी ट्राई इज दैट वी आर एबल टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्च एल्गोरिदम टू वन दैट मींस जस्ट इन वन ऑपरेशन वी आर एबल टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट प्रैक्टिकली दिस इज कॉल्ड परफेक्ट हैशिंग अगर हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं दैट मींस हम लोग एक ही स्टेप में या एक ही ऑपरेशन में किसी भी आइटम की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम लोग उसको परफेक्ट हैशिंग बोलते हैं बट प्रैक्टिकली अचीविंग परफेक्ट हैशिंग इज वेरी डिफिकल्ट बट बट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट इफ वी कॉन्ट Reach to exactly one, then we should try to be near to one. Okay, so all the search algorithms that we have discussed so far, in the terms of linear search, binary search, or even we have used binary search tree, they all are dependent upon the size of n, and none of them can.

साइज ऑफ दिस एरे इज एम इसलिए वो जीरो से लेकर एम माइनस वन तक जाता है तो हम लोग एक यूनिक नंबर असाइन करेंगे हर एक रिकॉर्ड को उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे द नेम द फंक्शन इज डिनोटेड हेयर बाय एच डी इज डिनोटेड बाय द डेटा एलिमेंट एंड जनरली ट्राई की दैट शुड बी लेस देन द साइज ऑफ द एरे दैट वी है एंड देन व्हाट वी डू इज जब हम लोग डी यानी हर एक एलिमेंट को एक यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम उन सभी एलिमेंट्स को एरे के अंदर प्लेस कर देते हैं ओके सो वंस वी प्लेस दिस दिस एलिमेंट्स इनसाइड द एरे दैन अगर हम उन्हें uh, उनकी लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देन अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई The hash function on that particular uh, key, and then what we are going to get is the location where the element is available. Okay, now let us uh, uh, move before moving towards the exact definition of what is a hash function. What we are going to do is we are going to uh, see what are the two problems that we can generally face while implementing the hashing.

जनरली जो है वो बहुत ज्यादा अगर एलिमेंट्स का साइज हो जाएगा तो द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड और द नंबर ऑफ यूनिक नंबर जो हमने बनाने हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं सो so दिस अभी तक हमने कुछ नहीं किया है अभी तक हमने यही समझने की कोशिश की है कि हैशिंग है क्या अब हम अप्रोच करेंगे कि हैशिंग को इम्प्लीमेंट किया कैसे जाता है तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वट इज अश फंक्शन तो हैश फंक्शन यहां पर दिया गया है हैश फंक्शन हैज डिनोटेड बाय इज द की वन ऑफ द यू कैन से कीज जिसके लिए हमें उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है एंड हेयर द एल एट द एंड गिव्स यू Or tries to find a unique index where k can be stored. For example, if I say h of some kind of a code has been provided to me. So if I apply this hashing function to this code, it gives me this that means if you are looking for the location of this element then the hashing function says that this element is available at location number 1101 so this is the objective the objective is to design a hash function joe very complex keys small numeric वैल्यूज में यूनिक न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर सके ताकि हम लोग उनकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी हमारी कीज अवेलेबल हैं हर एक क्यू की को एक यूनिक एड्रेस यानी यूनिक लोकेशन प्रोवाइड की जाए समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल कि 100 परसेंट ऐसा हो पाए तो उन उन केसेस में क्या होता है कि मोर देन टू कीज दे दे आर स्टोर्ड एट द सेम लोकेशन सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर द सेम फॉर एग्जांपल इफ वी अप्लाई द हैशिंग फंक्शन टू दिस कोड एच जीरो वन के ट्रिपल जीरो एम एच And it gives me location 1101. Similarly, if I apply the hashing function on some other key, it also gives me the same unique. Obviously, this is not a very good hashing function, but making a hashing function that gives you 100. परसेंट यूनिक इंडेक्स वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इसको हम लोग परफेक्ट हैं लेकिन इसको अचीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है तो कई बार क्या होता है एक हैशिंग फंक्शन जब दो अलग अलग कीज पर अप्लाई किया जाता है तो दे गिव द सेम वैल्यू ऑफ एल विच इज ऑल्सो नोन एज कोलिजन हम चाहते हैं कि कोलिजन कम से कम हो तो जब हम एक हैश फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग किस चीज पर ध्यान देते हैं कि हैश फंक्शन शुड बी सिंपल उसका जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होनी चाहिए एंड इट शुड रिजल्ट इन टू मिनिमम कोलिजन कोलिजन कम से कम होनी चाहिए सो दिस इज the things three things that we should keep in our mind while we design a hash function so let's see or let's have a look at some of the very basic these are not the one that are primarily used in uh, professional life but we will see or have a look at some of the very basic uh, hash function that can be used first one is called the division method it is based upon the modulus function. Modulus function is uh, the remainder function. So it is based upon the remainder function. The division method computes the memory location by applying the modulus operator on the uh, key k. The value m is used as the divisor on the k. So let's have a look at the example. Let us consider. ये जनरली हम लोग डिविजन मेथड पर यूज़ करते हैं जहां पर नंबर ऑफ इज लेस देन द नंबर ऑफ़ कीज़ दैट वी हैव इट कैन बी यूज़्ड फॉर दीजन ऑल्सो ग्रेटर बट अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे that means the size of m is 110 so uh, what will be the size of the array the size of the array will be from 0 to 109 so that means we have an uh, array 0 to 109 with m is equals to 110 memory locations यू आर सपोज टू कम्प्यूट द मेमोरी लोकेशन ऑफ फाइव कीज सो ये हमें पाँच कीज दी गई हैं जिनकी हमने लोकेशन फाइंड आउट करनी है हमने करना क्या है हमें जो भी की दी गई है हम उसका मॉडलस जो है या जो हम लोग उसका रिमेंडर निकालेंगे एम के साथ एंड वाट एवर बी दैल्यू दैट विल डिनोट द एल वेयर दैट एलिमेंट विल बी स्टोर्ड इन द So, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एच ऑफ uh, 1109 हंड्रेड एंड नाइन हमने एक वैल्यू डिसाइड कर ली है जिसके साथ हम लोग उसको डिवाइड करेंगे एंड uh, ये जो वैल्यू ली गई है अस से दैट इन दिस केस हंड्रेड एंड थर्टीन चूज की गई है तो हम लोग हंड्रेड एंड थर्टीन के साथ उसको रिमाइंडर निकालेंगे the remainder is 92 324 ka remainder nikala the remainder is 98 453 ka remainder nikala 1 567 ka remainder nikala to 2 156 ka remainder nikala to 113 generally you don't take 113 you generally would like to take uh, anything uh, from 0 to 10 9 सो जनरली दिस इज वट यू टेक लेकिन अभी 113 के साथ एग्जाम्पल चल रहा है तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं इसमें देखने वाली चीज ये है कि हमारी जो पांच कीज हमने प्रोवाइड की हैं उन पांचों कीज के लिए जो लोकेशन हमें दी गई है जो हमारा आंसर आया है दैट इज यूनिक सो वेयर विल 453 फिफ्टी थ्री बी स्टोर्ड इन द एरे फोर फिफ्टी थ्री विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर वन the next example is a mid square uh, method uh, the mid square method is basically uh, used uh, to pick up the value from the middle of the uh, you can say key we apply the squares operation on the key and then we decide the length uh, of the number of elements that we are going to pick from the middle बेसिकली ये क्या है कि जब हमें कुछ लोकेशन दी जाती हैं ये कीज दी जाती हैं हम लोग उनका सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं फिर मिडल में से हम लोग एक नंबर ऑफ लेंथ डिसाइड कर लेते हैं आगे और पीछे से उतने एलिमेंट्स को रिमूव करके जो मिडल में बचता है हम लोग उस वैल्यू को बीच में से निकाल लेते हैं यहां पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है फिर से हमें पांच कीज दी गई है ठीक है और हम मान के चलते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इन सभी जो कीज दी गई है, हैशिंग फंक्शन क्या करेगा इन सभी का स्क्वायर निकालेगा स्क्वायर निकालने के बाद हमने डिसाइड किया है कि थ्री वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड थ्री वैल्यूज फ्रॉम द राइट साइड विल बी रिमूव्ड और जितनी वैल्यूज बीच में बच जाएंगी दैट विल रिप्रेजेंट द इंडेक्स और द द एल वेयर एलिमेंट इज नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट द रिजल्ट इज सो हेर यू कैन सी जब हमने टू वन जीरो नाइन का स्क्वायर निकाला तो द आंसर इज दिस फिर हमने इसके तीन वैल्यूज को यहां से निकाल दिया और तीन को यहां से निकाल दिया और बीच में बचा सेवन सो दीन्स द

this is again a very very basic and a simple method so what we are doing is uh, uh, after the definition of what is a hash function we are doing three types of hash functions we have already done what is division method and mid square method the third one that we are going to do is called the folding method folding uh, uh, method me kya hota hai? Hum log simply we simply chops the key into multiple sub keys

और जो पांच सब कीज आएंगी उनके ऊपर बाद में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे अब हमारे एग्जाम्पल में जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कीज आर ऑफ फोर डिजिट्स, तो हम क्या करते हैं इनको टू सब कीज में डिवाइड कर देते हैं और ईच की की लेंथ कितनी होगी टू और फिर हम लोग उनको आपस में ऐड

श फंक्शन अगर दो अलग अलग चीज के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो दे शुड नॉट गिव द सेम लोकेशन अब अगर हम फोल्डिंग मेथड को ही एग्जाम्पल लेकर चले तो अगर हम लोग हैशिंग अप्लाई करें ट्वेंटी वन जीरो नाइन पर और हैशिंग अप्लाई करें लेट से नॉट थ्री टू

क्योंकि ये कह रहा है कि 2109 की लोकेशन भी 30 है और 2505 की लोकेशन भी 30 है सो so कोलिजन हम चाहते हैं कि हमारा जो हैशिंग फंक्शन है वो सिंपल हो फास्ट टू एग्जीक्यूट हो और कम से कम कोलिजन uh, जो है उसमें रिजल्ट करे नेक्स्ट इज हैशिंग टेबल ये जो सारी हैशिंग uh, की हम लोग बातें कर रहे हैं कि एक एलिमेंट उसकी की क्या है और उसकी लोकेशन क्या है वो कहाँ पर स्टोर होगा उसको मेंटेन करने के लिए हम एक स्पेशल टेबल बनाते हैं जिसका नाम है हैश टेबल अ हैश टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू स्टोर द की वैल्यू पेयर्स अगर मैं इसी की बात करता हूँ यहाँ पर तो हमारा हैश टेबल जो है वो आ, कैसे बनेगा तो हमारा हैश टेबल कुछ इस तरह से बनेगा ये जो हमारी फाइव कीज uh, हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दे विल भी ऑन वन साइड एंड ऑन दर साइड इनकी वैल्यूज होंगी फॉर एग्जाम्पल लाइक थर्टी एट्टी थर्टी फोर फोर्टी नाइन एंडी इस तरह से दिस इज कॉल्ड द की वैल्यू हमारी दी गई हैं और उनके कोरोस्पोली की की में स्टोर तो uh, को करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है वट वी वॉन्ट इज दैट की सभी की कीज की जो वैल्यू है या जो इंडेक्स है वो यूनिक हो ताकि हम लोग उसको सिर्फ एक ही बार में सर्च कर सके बट लाइक आई सेड इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू सेल्टिमेंट ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर जब हम लोग हैशिंग अप्लाई करते हैं टू और मोर कीज के ऊपर दे रिजल्ट इन टू द सेम वैल्यू इन द हैश टेबल विच इज कॉल्ड कोलिजन मैंने इसका आपको एग्जाम्पल भी दिया था एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने फोल्डिंग मेथड ऑफ हैशिंग अप्लाई किया दो अलग अलग कीज के ऊपर और दोनों ने लोकेशन थर्टी ही प्रोड्यूस किया collision. अब collision जब हम हंड्रेड परसेंट रिमूव नहीं कर सकते हैं तो देयर बी सम मेथड्स जिसमें अगर कोल्यूजन आ भी जाता है तो हम लोग उस कोल्यूजन को हैंडल कर सके तो वन मेथड ऑफ दीज आर कॉल्ड कोलिजन रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन टेक्निक्स तो हमारी जो फर्स्ट रेजोल्यूशन टेक्निक है दैट इज कॉल्ड चेनिंग चेनिंग इज अ वेरी सिंपल मेथड जिसमें हम लोग एक टेबल uh, uh, के साथ साथ एक लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है उसको यूज करते हैं और जिन एलिमेंट्स का सेम लोकेशन आ रहा है हम लोग उनकी एक लिंक लिस्ट जो है वो बना देते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर गिवन अ सेट ऑफ कीज तो ये हमारी कीज है ओके हमने डिवीजन मेथड यूज किया है मॉडल के बेस पर और हमने 8 के साथ जब इसका मॉडुलस निकाला तो दीज आर द लोकेशंस दैट वी आर गेटिंग ठीक है इसमें सभी लोकेशंस यूनिक हैं सिर्फ दो को छोड़कर जब हम 18 की के लिए लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो कहता है कि 18 विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 2 एंड 10 विल आल्सो बी स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 2 के ऊपर जब हमने हैश फंक्शन लगाया तो दोनों ने सेम की रिजल्ट की तो अब हम करेंगे क्या हम लोग हैश टेबल जो बनाएंगे उसके अंदर हम लोग uh, जो कॉन्सेप्ट है वो की पेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट जो है वो यूज नहीं करेंगे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन नहीं यूज करेंगे रादर हमें हर की के कॉरस्पोंडिंगली एक लिंक्ड लिस्ट बनाएंगे विच टेल्स यू की आ, 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 हमारे उस की के कॉरस्पोंडिंगली या उस लोकेशन के कॉरस्पोंडिंगली नॉट द की या हम लोग बोल सकते हैं कि उस लोकेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर की नहीं आएगा आई अपॉलोजाइज लोकेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग एक लिंक्ड लिस्ट बनाएंगे ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर स्टोर्ड एट दैट लोकेशन ठीक है तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि लोकेशन नंबर टू पर दो एलिमेंट स्टोर्ड हैं एक 18 और एक 10 तो इसको हम लोग uh, चेनिंग मेथड में कैसे देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आप अगर अब ध्यान से देखेंगे इस चीज को तो आप देखिए कि लोकेशन नंबर जीरो पर कितने एलिमेंट हैं सो लेट अस सी कि लोकेशन नंबर जीरो पर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं तो लोकेशन नंबर जीरो पर हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट है लोकेशन नंबर जीरो पर एज यू कैन सी देर इज ओनली वन एलिमेंट एंड दैट इज सेवेंटी टू तो जीरो ओनली वन एलिमेंट इन द लिस्ट विच इज सेवेंटी टू लोकेशन नंबर वन पर कोई भी एलिमेंट नहीं है लोकेशन नंबर टू पर हमारे दो एलिमेंट्स हैं वन इज एटीन एंड वन इज टेन तो यहां पर आप देखिए लोकेशन नंबर टू पर फर्स्ट एलिमेंट इज टेन और इसकी नोड में एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट है विच इज एटीन सो दिस इज कॉरस्पोंडिंग टू चेनिंग अगर अब हमारा एक और एलिमेंट लेटर सपोज इस लिस्ट में आ जाए लेट से दैट एलिमेंट इज एटीन तो अगर मैं 80 की लोकेशन फाइंड आउट करता हूं 80 मॉडुलस 8 की तो आंसर विल बी जीरो अब जीरो पर भी चेनिंग आ गई तो पहले जीरो के कॉरस्पॉन्डिंगली सिर्फ एक ही एलिमेंट था 72 अब यहां पर नल की बजाय नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा विच विल बी 80 एंड एंड अब हमारे दो लोकेशंस के ऊपर चेनिंग कोलिजन आ रही है एक लोकेशन नंबर जीरो पर और एक लोकेशन नंबर ऊपर इसकी कोई लिमिट नहीं है अगर नेक्स्ट एलिमेंट 88 आ जाता है तो 88 मॉडुलस 8 इज अगेन जीरो तो दैट मींस यहां से भी नल हटाकर 88 बन जाएगा तो फर्स्ट इट ट्राइज टू फाइंड द यूनिक लोकेशन फॉर ईच की अगर हमें वो नहीं मिलती है तो देन वी अटैच इट टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट तो इसमें क्या है कि इट इज नॉट अ वेरी गुड टेक्निक इट क्लियरली टेल्स यू की कोलिजन आ रही है तो हम लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेथड टू रिमूव द कोलिजन ओके सो अवर फर्स्ट मेथड इज ओवर एंड नाउ वी विल लुक एट अवर सेकेंड मेथड द सेकंड मेथड इज कॉल्ड ओपन एड्रेसिंग कई बार हम लोग क्लोज एड्रेस भी बोलते हैं अब हमारा सेकेंड जो मेथड uh, uh, है दैट इज कॉल्ड ओपन एड्रेसिंग ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है कि इन दिस टेक्निक विद प्री डिफाइंड साइज इज कंसिडर्ड यानी हमने एक हैश टेबल बना दिया उसका उसकी जो वैल्यू आती है एल आती है उसके कोरस्पॉन्डिंगली ही हम लोग स्टोर करते हैं एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो उनकी पोजीशन खाली होगी या तो ऑक्युपाइड होगी या तो डिलीटेड होगी हमें करना क्या है अब हम लोग उसकी एक लिस्ट नहीं बनाएंगे कि कितनी भी बढ़ती जाए हम लोग क्या करेंगे उनको उसी टेबल के अंदर ही स्टोर करेंगे टेबल के बाहर स्टोर नहीं करेंगे लेकिन अगर कोलिजन आ जाती है तो करना क्या है उसके लिए फर्दर हमारे पास ओपन एड्रेसिंग के तीन मेथड्स हैं जिसमें से फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग तो ऐसा करते हैं हम लोग पिछले ही एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पर चलते हैं अगर हमने इसी एग्जाम्पल के ऊपर लेट से कि प्रोबिंग अगर करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे तो अगर हमारा ये वाला एग्जाम्पल है तो हम लोग इसके लिए एक टेबल uh, uh, बना देते हैं दिस इज द टेबल फॉर द लीनियर प्रोबिंग दिस इज की एंड दिस इज दॉरपॉन्डिंगली वैल्यू फॉर द सेम तो हमारे uh, जो कीज हैं वो कौन सी लोकेशन uh, पर लेट से स्टोर्ड हैं हमारी लोकेशंस uh, क्या हैं हम लोग वो बताएंगे वी हैव लेट से लोकेशन नंबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ओके सो दिस इज

टाइंड आउट करना हो सर्च करना हो वेर इज टेन तो हम कैसे सर्च करेंगे सबसे पहले हम लोग टेन के ऊपर हैशिंग फंक्शन को अप्लाई करेंगे जिससे हमें पता चलेगा की इट शुड बी अवेलेबल एट लोकेशन नंबर टू जब हम लोकेशन नंबर टू पर जाते हैं तो हमें टेन नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है अब हमें क्या करना पड़ेगा अब हमें लीनियर प्रोबिंग करनी पड़ेगी यानी यहां से हमें एक एक करके आगे जाना होगा एंड वी हैव टू फाइंड वेदर टेन इज अवेलेबल और नॉट यानी नेक्स्ट यहाँ फिर यहाँ और यहाँ दैट इज वेयर वी फाइंड दिस ओके okay. और अगर टेन अवेलेबल नहीं है और बीच में गैप आ जाता है इसका मतलब क्या है कि टेन हैज नॉट बीन करंटली स्टोर्ड इन सो दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग तो इसमें एक एग्जांपल हम लोग और लेकर चलते हैं लेट से अगर हमारा एलिमेंट एट्टी आ जाता है तो एट्टी मोड एट कितना है जीरो अब इसको लोकेशन पर लेकर जाते हैं जीरो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है लेकिन नेक्स्ट फ्री है तो हम लोग इसको यहां पर सेव कर देंगे दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग लीनियर प्रोबिंग इज अ वेरी सिंपल मेथड लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि जनरली लीनियर प्रोबिंग करने से हमें अगर एक एलिमेंट uh, की लोकेशन uh, बुकड है या ऑक्यूपाइड है तो हमें नेक्स्ट 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 करते लीनियर प्रोबिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कोडरेटिक प्रोबिंग अब क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग uh, क्या कहती है कि हम लोग एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ कोलिजन रादर देन लीनियर प्रॉबिंग इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एलिमेंट को स्टोर uh, करना चाहते हैं लेट अस सपोज कि uh, अगर आप 80 को स्टोर करना चाहते हैं तो उसकी लोकेशन नंबर जीरो होनी चाहिए लेकिन अगर वो लोकेशन नंबर जीरो पर फ्री uh, uh, नहीं है लोकेशन नंबर जीरो फ्री नहीं है तो लीनियर प्रोबिंग में नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग सर्च करते हैं one. अगर वो भी फ्री नहीं है तो वी कंटिन्यू टिल वी फाइंड अ फ्री एलिमेंट लेकिन क्वाड्रेटिंग में क्या होता है कि हम लोग एक थ्री के स्क्वायर या स्क्वायर प्लस टू ऐसा एक फंक्शन जो है वो डिफाइन uh, कर देते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि अगर 80 जो है उसकी लेट uh, से हमें लोकेशन uh, जो नहीं मिली है अगर हमें लोकेशन नहीं फाइंड आउट हुई है तो हम लोग एक फंक्शन लगा देते हैं यहाँ पर k की बजाय हम लोग l यूज करेंगे तो बेटर है l स्क्वायर प्लस टू दैट मीन जीरो स्क्वायर प्लस टू तो हम लोग उसको टू लोकेशन पर सर्च करें अगर हम लोग एट्टी को लोकेशन नंबर टू पर सेव uh, करना चाहते थे लेकिन टू फ्री नहीं है तो लीनियर में क्या होता टू के बाद हम लोग थ्री को चेक करते फिर फोर को चेक करते लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि अगर 82 से हमें टू लोकेशन फ्री नहीं मिलती है तो हम लोग एल या के स्क्वायर प्लस टू जो भी फॉर्मूला है हम लोग उसको लगाएंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट कि उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है इससे क्या होता है कि हमें लीनियर के कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी लोकेशन मिल जाती है अदरवाइज़ इज़ नो ओनली बिटवीन द लोकेशन द नेक्स्ट इज डबल हैशिंग डबल हैशिंग इज एंटायरली डिफरेंट डबल हैशिंग में क्या होता है कि वी हैव मल्टीपल हैश फंक्शन ठीक है तो for example our, our uh, first hash function can be based upon uh, uh, let's say division method our second hash function or, or third multiple bhi ho sakte hai, double ki jaga hai. let's say uh, the second hash uh, uh, function we have is folding हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले अगर हमें एक की दी गई है 80, हम लोग उसके ऊपर हैश फंक्शन लगाएंगे। लेट अस उसका आंसर आया जीरो जब जीरो आया तो हमने चेक किया कि क्या जीरो खाली है या नहीं अगर वो खाली नहीं है तो हम लोग एच टू फंक्शन लगाएंगे एट्टी के ऊपर तो से उसका आंसर तो हम लोग उसको एट्थ लोकेशन पर ले जाएंगे अगर एट्थ भी फ्री नहीं है प्रोबिंग ठीक है तो दिस इज इवन बेटर बिकॉज इसमें एंटायरली डिफरेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट हैशिंग फंक्शन ही बदल जाता है जब हैशिंग फंक्शन बदल जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फ्री स्पेस जो है वो बढ़ जाती है ठीक है तो इन द एंड द लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉल्ड परफेक्ट हैशिंग ये मैं आपको बता ही चुका हूँ परफेक्ट हैशिंग इज डिफाइंड एज द मॉडल ऑफ हैशिंग इन विच एनी सेट ऑफ एन एलिमेंट्स यानी अगर हमें एन एलिमेंट्स को स्टोर करना है कैन बी स्टोर्ड इन दैश टेबल ऑफ इक्वल साइज यानी साइज भी एन नंबर ऑफ एलिमेंट भी नो कुलशिंग रिजल्ट इन नो कुलश फॉर अट एस इज अश फंक्शन दैट मैप्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट विद नो कोलिजन जैसे मैंने बताया इट इज वेरी डिफिकल्ट अचीव बट स्टिलोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इनसाइड द डेटा स्ट्रक्चर इन सॉरी इन साइड द मेमरी इन कॉन्स्टेंट टाइम दैट मीन्स इसका एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है अगर एन बहुत ज्यादा बड़ा है या स्मॉल है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड देयर इज नो नीड ऑफ कुलीजन रेजोल्यूशन टेक्निक यूजिंग परफेक्ट हैशिंग सो दैट वॉज द एंड ऑफ अवर टॉपिक हैशिंग आई होप यू एंजॉयड इट इट इज अ वेरी टेक्निकल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक प्लीज गो थ्रू द वीडियो फंड इट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब Thank you.